बाबा साहब के सभी अनुयायी साथीगण शिवशाहीर बाबासाहेब पुरंदरे यांना मी सुरुवातीच साष्टांग नमस्कार करतो व छत्रपती शिवाजी महाराजांनी जे आदर्श उभे केले आहेत जी शिकवण दिली आहे तिचे आचरण करण्याची शक्ती परमेश्वराने मला द्यावी अशी प्रार्थना मी देवा कड़े करतो मैं आदरणीय बाबा साहब पुरंदर जी को जीवन के सौवे वर्ष में प्रवेश के लिए हृदय से शुभकामनाएं देता हूं उनका मार्गदर्शन उनका आशीर्वाद जैसे अभी तक हम सबको मिलता रहा है वैसे ही आगे भी लंबे समय तक मिलता रहे ये मेरी मंगल कामना है बाबा साहब पुरंदर का जीवन हमारे मनुष्यों की इस श्रेष्ठ भावना को साक्षात चरितार्थ करता है अपनी तपस्या से जब कोई जीवन में ऐसे योग सिद्ध करता है तो कई संयोग भी स्वयं सिद्ध होने लगते हैं ये सुखद संयोग ही है कि जब बाबा साहब जीवन के सौवे वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं तब साथ में ही हमारा देश भी आजादी के पचहत्तरवें वर्ष में प्रवेश कर रहा है मुझे लगता है कि बाबा साहब स्वयं भी अनुभव कर रहे होंगे कि ये संयोग उनके लिए उनकी तपस्या से प्रसन्न मां भारती का प्रत्यक्ष आशीर्वाद ही है कि आजादी के अमृत महोत्सव में देश ने स्वाधीनता सेनानियों के अमर आत्माओं के इतिहास लेखन का अभियान शुरू किया है बाबा साहब पुरंदरे यही पुण्य कार्य दशकों से करते आ रहे हैं अपना पूरा जीवन इसी एक मिशन के लिए उन्होंने खपा दिया है उन्होंने शिवाजी महाराज के जीवन को उनके इतिहास को जन जन तक पहुंचाने में जो योगदान दिया है उसके लिए हम सभी उनके हमेशा रणी रहेंगे मुझे खुशी है कि हमें उनके इस योगदान के बदले देश को उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने का सौभाग्य मिला है 2019 में देश ने उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया तो वहीं 2015 में तत्कालीन महाराष्ट्र सरकार ने उन्हें महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार भी दिया था मध्य प्रदेश में भी शिवराज जी की सरकार ने छत्रपति शिवाजी के इस परम भक्त को कालिदास पुरस्कार देकर नमन किया था साथियों छत्रपति शिवाजी महाराज के प्रति बाबा साहब पुरेन्द्र जी की इतनी भक्ति यूं ही नहीं है शिवाजी महाराज भारत के इतिहास के शिखर पुरुष तो है ही बल्कि भारत का वर्तमान भूगोल भी उनकी अमर गाथा से प्रभावित है यह हमारे अतीत का हमारे वर्तमान का और हमारे भविष्य का एक बहुत बड़ा प्रश्न है कि अगर शिवाजी महाराज न होते तो क्या होता छत्रपति शिवाजी महाराज के बिना भारत के स्वरूप की भारत के गौरव की कल्पना भी मुश्किल है जो भूमिका उस कालखंड में छत्रपति शिवाजी की थी वही भूमिका उनके बाद उनकी प्रेरणाओं ने उनकी गाथाओं ने निरंतर निभाई है शिवाजी महाराज का हिंद भी स्वराज सुशासन का पिछड़ों वंचितों के प्रति न्याय का और अत्याचार के खिलाफ हुंकार का अप्रतिम उदाहरण है वीर शिवाजी का प्रबंधन देश की सामुद्रिक शक्ति का इस्तेमाल नौसेना की उपयोगिता जल प्रबंधन ऐसे कई विषय आज भी अनुकरणीय है और ये बाबा साहब ही हैं जिन्हें आजाद भारत की नई पीढ़ी को शिवाजी महाराज के स्वरूप से रूबरू करवाने का सबसे बड़ा श्रेय जाता है उनके लेखों में और उनकी किताबों में शिवाजी महाराज के लिए उनकी अटूट श्रद्धा स्पष्ट झलकती है शिवाजी महाराज से जुड़ी कथाओं को कहने की बाबा साहब पुरंदरे की शैली उनके शब्द शिवाजी महाराज को हमारे मन मंदिर में साक्षात जीवंत कर देते हैं मुझे अच्छी तरह याद है लगभग चार दशक पहले अहमदाबाद में जब आपके कार्यक्रम आयोजित होते थे तो मैं नियमित रूप से उनमें उपस्थित रहता था जानता राजा के प्रारंभिक काल में एक बार मैं उसको देखने के लिए विशेष रूप से पुणे गया था बाबा साहब ने हमेशा यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया है कि युवाओं तक इतिहास अपनी प्रेरणाओं के साथ पहुंचे साथ ही अपने सच्चे स्वरूप में भी पहुंचे इसी संतुलन की आज देश के इतिहास को बहुत आवश्यकता है उनकी श्रद्धा और उनके भीतर के साहित्यकार ने कभी भी उनके इतिहास बोध को प्रभावित नहीं किया मैं देश के युवा इतिहासकारों से भी कहूंगा कि आप जब आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष में आजादी का इतिहास लिखें तो प्रेरणा और प्रामाणिकता की यही कसौटी आपके लेखन में होनी चाहिए साथियों बाबा साहब पुरंदरे के प्रयास केवल इतिहास बोध करवाने तक ही सीमित नहीं रहे हैं उन्होंने अपने जीवन में शिवाजी महाराज को जीने का प्रयास भी उतनी ही निष्ठा से किया है उन्होंने इतिहास के साथ साथ वर्तमान की भी चिंता की है गोवा मुक्ति संग्राम से लेकर दादरा नगर हवेली के स्वाधीनता संग्राम तक उनकी जो भूमिका रही है वो हम सबके लिए एक आदर्श है उनका परिवार भी सामाजिक कार्यों और संगीत कला के लिए लगातार समर्पित रहता है आप आज भी शिव सृष्टि के निर्माण के अभूतपूर्व संकल्प पर काम कर रहे हैं शिवाजी महाराज के जिन आदर्शों को आपने देश के सामने रखने का आजीवन प्रयास किया है वो आदर्श हमें सदियों सदियों तक प्रेरणा देते रहेंगे इसी विश्वास के साथ मैं मां भवानी के चरणों में विनम्र प्रार्थना करता हूं आपके उत्तम स्वास्थ्य की कामना करता हूं आपका आशीर्वाद हमें इसी तरह मिलता रहे इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं बहुत बहुत धन्यवाद